हेलो फ्रेंड्स, सो गुड इवनिंग। सो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कल की यानी कि 27 जुलाई, जो कि हमारे लाइव ब्रेकआउट जब भी होगा तो लाइव अलर्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे ब्रेकआउट इंटरडिस्ट्रिक्ट पे, जो हमारे कॉल्स होते हैं वो डेली ब्रेकआउट इंटरडिस्ट्रिक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो फिर चलिए फटाफट हम देख लेते हैं आज का। पहले थोड़ा निफ्टी का एक रिव्यू ले लेते हैं दोस्तों। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं, अगर हम 1 मिनट का कैंडलस्टिक में इसको कन्वर्ट करते तो भाई आज का क्या हाल हुआ है दोस्तों। आज निफ्टी अच्छा खासा अराउंड 1% के आसपास का एक डाउन फॉल दिखाया है फ्रेंड्स। 1 पॉइंट एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट 1% का इसने डाउन की तरफ ट्रेंड दिखाया है। तो अब हम फटाफट से 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ले लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि भाई इसका अगला सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ पे आके थमेगा, कितना और नीचे गिरने की इसमें संभावना दिख नज़र आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने मैग्नेटिक लाइन बना के रखा हुआ है जहाँ पर 28 जुलाई को उसने एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे सपोर्ट लिया था। आज भी उसने एक और बार उस सपोर्ट को रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, लेकिन वो वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और सपोर्ट को पार्शियली ब्रेक डाउन किया है और फिर से ऊपर का ट्रेंड बनाता हुआ मार्केट क्लोज हुआ है। तो अब ये ट्रेंड अगर बरकरार रहता है तो फ्रेंड्स हम पॉजिटिव यहाँ पे एक फील कर सकते कि भी पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, संभावनाएं है। लेकिन अगर ये यहाँ से टूटता है तो फ्रेंड्स सीधा नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है काफ़ी नीचे, तो उसके अप्रोक्सीमेट अगेन यहाँ देख सकते फ्रेंड्स इसका सपोर्ट रहेगा फिर से अराउंड 0.6, अराउंड अगेन अराउंड 1% का चांसेस दिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है 483 से अगर नीचे सूट उठता है तो 16,357 पे आकर यहाँ थमने की इसमें संभावना है। अगर यहाँ पर इसने बना लिया, अपने आप को संभाल लिया तो फिर इस मोमेंट पर एक बाउंस बैक के चांसेस लगते हैं कि भाई यहाँ पर आता है और यहाँ से एक बार फिर से बाउंस बैक होने की संभावना यहाँ पर नज़र आती है। तो फ्रेंड्स कल हम लोगों को ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर हालांकि आके अटका हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है कि इन दो मैग्नेटिक लाइन के बीच में अभी हम फंसे हैं, तो यानी सेफ जोन। अगर इसको ब्रेक डाउन देता तो हमारा शॉर्ट सेल कॉल जो है वो काफ़ी अच्छे एक्टिवेट होते के चांसेस हैं। अगर वो एक्टिवेट होते हैं और ये ब्रेक डाउन होता है तो हमारे सारे शॉर्ट सेल कॉल अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ सक्सेस दिलवा सकते हैं। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं आज जो फटाफट 4 स्टॉक्स दिए थे उनका आप रिव्यू देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स रिव्यू नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी होता है कि आपको किस तरह से स्टॉक लेना है, क्या क्या छोटी छोटी कंडीशन होती है, क्या मिस्टेक हम लोग जनरली करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रे लाइन है ये 1 दिन का मार्केट है, ये 2 दिन का, ये 3 दिन का, यानी कि आज का मार्केट है, ये कल का, ये परसों का, इस तरह यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ट्रेड टर्मिनल में डिवाइड हुआ होता है। तो फ्रेंड्स 5 मिनट में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं लेंगे समझा एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, रेड कैंडल का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ खुलता ऊपर से क्लोज नीचे होता, तो यहाँ पे खुला। हमारी कंडीशन फ्रेंड्स एक ही होती कि जब भी मार्केट खुले मार्केट शुड बी ओपन बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइन। तो पहली कंडीशन हमारी एक ही, ज़्यादा कंडीशन नहीं है दोस्तों, और ओपन हुआ मार्केट इन दोनों लाइन के बीच में, यानी कि वी आर एलिजिबल टू टेक ट्रेड ऑन TCS। उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉल एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होते से फ्रेंड्स हम लोगों को टेलीग्राम पर आपको अलर्ट आ जाता है कि भाई ये एक्टिवेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप सोचोगे कि भाई मैं अभी लेवल क्यों नहीं देता हूँ मेरे चैनल पे, यहाँ पर काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप लेवल क्यों नहीं देते हो हमको, यहीं इसी मोमेंट पे लेवल दे सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आपको रीज़न क्या होता है। अब ये है सुबह सुबह यहाँ पर एक्टिवेट हुआ इस मोमेंट पर, तो 3159 पे हुआ। अगर ये 1 बजे अगर ब्रेक डाउन देता तो 3160 पे होता, और अगर यही स्टॉक्स मुझे 2:30 बजे देता तो 3165 पे होता। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि कितनी बजे ब्रेकआउट देगा, तो इस तरह जो डिक्लाइन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करते तो मुझे नहीं पता कितनी बजे ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस चेंज होता रहेगा दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है कि जैसे ये ब्रेक डाउन देगा उस मोमेंट पे आप लोगों को टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा विद प्राइस के साथ कि भाई अभी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हुआ है। तो फिर इसकी वजह से मैं आप लोगों को अभी के अभी लेवल्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता। टेलीग्राम की लिंक फ्री है फ्रेंड्स, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैंने उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन की है, अलर्ट सही से अलर्ट नहीं आ रहे थे तो मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, कल से आप लोगों को प्रॉपर अलर्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसमें डब्ल्यू पैटर्न बना था फ्रेंड्स, ये हमारा कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ। दोस्तों फिर से ध्यान रखना है कि कॉल एक्टिवेट होना होता है तभी हमको इसमें ट्रेड लेना है, यानी कि मार्केट बाय कॉल है तो इस लाइन को ब्रेकआउट देना है तभी हमारा कॉल एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट था
मैक्स फाइनेंस, मैक्स फाइनेंस फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई क्या हुआ इसमें, बाई कॉल था, मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मार्केट ओपन ही हुआ ऊपर, यानी कि अगेन रेड बाई कॉल का ग्रीन लाइन के ऊपर ओपन हुआ, तो इसमें भी हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब बात आती है फ्रेंड्स इसकी हिंदू HEL, तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कॉल मॉर्निंग में ही सीधा एक्टिवेट होते से ही उसने एक जम से एक स्पाइक बनाया और उसके बाद उसने मौका ही नहीं दिया हमको देने का और ½% यहाँ पे ऑलरेडी उसने मूवमेंट दिखा दिया, और जब तक हम लेते तो हमारा यहाँ पे ऊपर की तरह स्पाइक चला गया, ½% ऊपर निकल चुका है। हालांकि जिनने अगर लिया होगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होने के चांसेस हुए होंगे दोस्तों यहाँ पर, लेकिन विद इन अ देख 1 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट करके देख लेते भाई एग्जैक्ट क्या सीनेरियो रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं पहले खुलते से विद इन अ 30 सेकेंड इटसेल्फ उसने हमारा ½% का मूवमेंट दिखा दिया। तो फ्रेंड कोई भी स्टॉक अगर खुलते से विद इन अ मिनट अगर ½% का मूवमेंट दिखा दिया तो फ्रेंड बचा क्या, उसमें पोटेंशियल सारा खत्म हो जाता, तो इनको हम अवॉइड कर सकते थे अगर लिया हो तो। फ्रेंड मैं एग्री हूँ कि हाँ भाई स्टॉप लॉस में हिट हुआ है, लेकिन एक ½ 30 सेकेंड में किसी ने कैसे लिया होगा और उसी में अगर उसने सारा पोटेंशियल खत्म कर दिया तो इसको हम अवॉइड कर सकते थे। तो इट्स ए वन लर्निंग, फिर से मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड, यहाँ पे डाउन साइड यही वाला कॉल हमारा शॉर्ट सेल पे भी एक्टिवेट हुआ और उसका टेलीग्राम का अलर्ट फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ जब भी एक्टिवेट होता है, तो आप लोगों इस तरह से उसमें एक अलर्ट आ जाएंगे कि भाई 11:04 पे शॉर्ट सेल पे एक्टिवेट हुआ 18:92 11:07। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा 11:04, इस मोमेंट पे कहीं पे हमको अलर्ट आया। हालांकि आज अलर्ट बहुत सारे बार बार अलर्ट दे रहा था, मैं उस पर कुछ काम कर रहा था तो मैंने उसको सारी जो बग्स थी सारी मैंने रिजॉल्व किया है प्रॉब्लम, ताकि कल से आपको सभी स्टॉक्स के प्रॉपर अलर्ट मिल जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक्टिवेट हुआ, उसके बाद उसने जो 1% का टारगेट है वो उसने हमारा अचीव करवा के दिया। अब बात कर लेते फ्रेंड्स कल के स्टॉक्स के लेवल्स के बारे में, चलिए भाई चलते हैं हम। कल निकाला है मैंने हीरो मोटर कॉर्प, हालांकि फ्रेंड्स ये थोड़ा कॉस्टली स्टॉक है मगर हम परसेंट बेस पे बात करते हैं, जहाँ पे आप ₹200 के स्टॉक की 10 क्वांटिटी खरीद तो यहाँ पे 1 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो उस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये भी हम ये हमारा बाई साइड है, तो यहाँ पर हमारा अगर ये कॉल फिर से वही कंडीशन है दोस्तों, ज़्यादा कंडीशन नहीं है ओपन, हालांकि ओपन होगा ग्रीन के नीचे ही ओपन होने के चांसेस लग रहे हैं, और इसको ब्रेकआउट देता तो यहाँ पर हमारा बाई कॉल एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट आ जाएंगे फ्रेंड्स, कब अलर्ट आ जाएंगे, अगर कल सुबह सुबह 9:25 को ओपन होता है तो 28.20 रुपये का पेस पे ब्रेकआउट आएगा, अगर 12 बजे होता है तो 2,820 रुपये में। तो इस तरह फ्रेंड्स के प्राइस चेंज होते रहेंगे, तो इसके लेवल से मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, इसका आप टेलीग्राम पे इमीडिएटली जैसे ही ब्रेकआउट देगा एट द मोमेंट विद इन सेकंड आप लोगों को टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा कि भाई ये कॉल एक्टिवेट हुआ है, ये प्राइस है इसका, ठीक है। सेकेंड प्रिज्म जॉनसन, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा एक मतलब निफ्टी 50 इसके स्टॉक्स नहीं है, निफ्टी 50 का नहीं है, निफ्टी 100 का भी नहीं है, ये थोड़ा सा मैं कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने एक निकाला है एनालिसिस करके कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसमें एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो कल अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है कल मार्केट ऑलरेडी शायद चांसेस है कि ऊपर ही खुले, ऊपर खुलेगा तो फ्रेंड्स इसको हम छोड़ देंगे, इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, अगर बाई चांस से नीचे कहीं खुलता है और फिर इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वेदांता लिमिटेड, फ्रेंड्स वेदांता लिमिटेड देख के लग रहा है कि भाई इसमें किस तरह लेवल निकाला होगा क्या किया होगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसको अगर हम 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते तो आप लोगों को कुछ काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दिखेगी, और ये मेरी आज की फर्स्ट पिक भी रहेगी दोस्तों कल के लिए, क्योंकि इसमें डाउन साइड भी मैंने शॉर्ट सेलिंग के लेवल्स भी निकाले हैं। तो फिर यहाँ पर जब 15 मिनट में करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पुरानी हिस्ट्री की बात करेंगे, 19 जुलाई का हम यहाँ पे चार्ट उठाएंगे, तो फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है इसको, और इसको जब उसने ब्रेकआउट दिया तो सीधा गैप अप ओपन हुआ था और आज वहीं पे आके सीधा गैप डाउन पे भी वहीं पे रुका। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन, ये जो मैग्नेटिक लाइन है इसकी पावर ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइन, जब 20 जुलाई को जो गैप ओपन हुआ था तो यहाँ से सीधा इसी मैग्नेटिक लाइन से उसने
अच्छा खासा है। कितना परसेंट का दिया था भाई, 1.5-2% के ऊपर उसने गैप अप ओपन की थी, और आज वही हुआ 7% के हिसाब से उसने गैप डाउन पे आकर गैप डाउन ओपनिंग की, लेकिन मैग्नेटिक लाइन चेंज नहीं हुई दोस्तों, वही लाइन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, इस लाइन मैग्नेटिक लाइन को हम यूज़ करेंगे, और इस लाइन को यूज़ करते हुए हम इसमें लेवल निकालेंगे। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा बाइक लेवल, ये हो गया हमारा शॉर्ट सेल लेवल। अब अगर इसको ब्रेकआउट देता है यहाँ पर ट्रेड करता हुआ, तो हमारा बाइक कॉल एक्टिवेट होगा, और इसको ब्रेक डाउन, इसको तोड़ देता है, तो फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट सेल कॉल एक्टिवेट। तो फ्रेंड्स वेदांता मेरी कल की फर्स्ट पिक होने वाली है, तो दोनों तरफ इसमें ट्रेड छूटना नहीं है दोस्तों। इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमारा ट्रेड नहीं छूटेगा, नीचे भी नहीं छूटेगा। छूटेगा कब, अगर मार्केट खुल गया यहाँ, तो बाई साइड हमारा ख़राब हो जाएगा, बाई साइड नहीं लेना। हालांकि मार्केट खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ जाता है इसको ब्रेक डाउन, तो हमारा शॉर्ट सेल जिंदा रहेगा, वो एक्टिवेट होने के चांसेस रहेंगे। अगर ब्रेक नीचे मार्केट खुला यहाँ कहीं, तो शॉर्ट सेल ख़राब हो जाएगा, लेकिन बाई कॉल हमारा जिंदा रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा। भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख सकते हैं, ये भी मेरा बाई साइड ही निकला है, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैं फिर से बोल देता हूँ कि भाई अगर सुबह 9:15 पे अगर एक्टिवेट होता है, तो 117-16 के आसपास कुछ होगा। 12 बजे एक्टिवेट होता है तो 117 होगा। अगर 3 बजे होता है तो 117.35 ऐसे कुछ होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें भी, इसके भी लेवल्स में अभी नहीं दे सकता हूँ, तो लेवल्स में किसी के अभी नहीं दिए, सबके लेवल्स आप लोग टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कमेंट्स भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।